हेलो एंड वेलकम टू इन्फोबग, दिस इज अमर चौहान। पिछले साल 5 अगस्त 2019 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से आर्टिकल 370 को हटाने पर इंटरनेट को बंद किया गया था। लोगों को लगा था कि शायद कुछ देर इंटरनेट बंद होने के बाद इसको रिस्टोर कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उस पर लोगों ने बहुत बार प्रोटेस्ट किया, कई रैलीज निकाली गई, बहुत सारे प्रदर्शन हुए और शायद लोगों को लगा कि उनकी जो मांग है उस पर अमल भी किया जाएगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इंटरनेट बंद होने से बिजनेस लॉस हुए, बच्चों की पढ़ाइयाँ जो हैं उन पर असर हुआ, क्योंकि ज़्यादातर पढ़ाइयाँ आजकल ऑनलाइन होती हैं। काफ़ी प्रोटेस्ट के बाद, डिमांड के बाद कुछ महीने पहले 2G इंटरनेट को रिस्टोर किया गया, लेकिन परेशानी और बढ़ती गई क्योंकि 2G की जो स्पीड है उससे भी लोगों की दिक्कतें जो हैं वो कम नहीं हुई, क्योंकि 2G की स्पीड इतनी स्लो होती है कि बच्चे जब क्लासेस लेते हैं तो सबसे ज़्यादा परेशानियों का सामना उन्हें उस वक्त करना पड़ता है। फिर आया कोविड-19 क्राइसिस। कोविड-19 क्राइसिस में 2G की स्पीड के साथ डील करना बद से बदतर हो गया। घर रहकर इस लॉकडाउन में ऑनलाइन क्लासेस हो या फिर वर्क फ्रॉम होम हो, 2G की स्पीड ने सबका जीना मुश्किल किया कि प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन ना होने की वजह से इन दिक्कतों का सामना सबको करना पड़ा। और जब सेंटर से लोगों ने बार बार सवाल किया तो उनका एक ही बार बार जवाब आया, सिक्योरिटी रीजंस की वजह से इंटरनेट को बंद किया गया है। लेकिन अगर आप कश्मीर की ओर थोड़ा सा रुक करें तो आपको पता चलेगा कि आए दिन वहाँ पर मिलिटेंट अटैक्स होते हैं और हमारे जवान पिछले काफ़ी समय से कई मिलिटेंट्स का खात्मा कर चुके हैं। और तो और हमारे LG GC मुर्मू की भी एक स्टेटमेंट आई है कि 4G इंटरनेट रिस्टोर होने से उन्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो कुल मिलाकर अगर बात करें तो बहुत सारे लोगों ने, यानी कि सब ने मिलकर अपने अपने एफर्ट्स लगाए हैं 4G इंटरनेट को रिस्टोर करने की। कल से इनफैक्ट बहुत सारी खबरें सामने आई हैं कि 4G इंटरनेट जो है वो जम्मू कश्मीर में बहुत जल्दी रिस्टोर होने वाला है। कुछ लोगों को हालांकि ये भी लग रहा है कि शायद ये र्यूमर्स हों, और जब तक अभी जम्मू में या जम्मू कश्मीर में जब तक 4G इंटरनेट रिस्टोर नहीं हो जाता, हालांकि इसको बहुत सारे लोग जो हैं वो र्यूमर ही समझेंगे। लेकिन आज इस वीडियो में आपको हम कुछ ऐसी खबर बताएंगे जिसे सुनकर यकीनन आपको अच्छा महसूस हो। जहां सबने अपने अपने एफर्ट्स लगाए उन्हीं में से थे डॉक्टर ओंकार सिंह बत्रा। डॉक्टर ओंकार सिंह बत्रा एक 14 साल के बच्चे हैं जिन्हें हाल ही में बाल पुरस्कार से नवाजा गया है। डॉक्टर ओंकार सिंह बत्रा वर्ल्ड हेल्थ कमीशन के यंग इंडियन एम्बेसडर भी है। इंटरनेट पर लगे बैन को जहाँ सुप्रीम कोर्ट ने 3 बार तारीखें दी, 27 मई, 17 जून और 8 जुलाई। ओंकार सिंह बत्रा ने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को 4G इंटरनेट रिस्टोर करने के लिए एक एप्लीकेशन लिखा। अपने एप्लीकेशन में सरकार को उन्होंने 4G बहाल करने और मानवीय अधिकारों का उल्लंघन रोकने के लिए कहा। इस मुद्दे को काफी सीरियसली लिया गया क्योंकि ये मुद्दा वर्ल्ड ह्यूमैनिटीज कमीशन और यूनाइटेड नेशन की ओर से गया था, और जवाबी तौर पर कहा गया कि ये मुद्दा चीफ सेक्रेटरी ऑफ जम्मू कश्मीर की तरफ से लिया जाएगा और इस पर एप्रोप्रिएट एक्शन लिया जाएगा। जिस पर डॉक्टर ओंकार कहते हैं, आई होप दैट द एक्शन विल बी इन फेवर ऑफ पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये जम्मू में 4G को बहाल करने के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है क्योंकि ये ह्यूमन राइट्स यूनाइटेड नेशन के एम्बेसडर द्वारा लिखा गया है। सो वी होप कि जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द 4G इंटरनेट रिस्टोर किया जाए एंड हम वापस अपनी नॉर्मल लाइफ में आ जाएं। तो आज का अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ इस इन्फॉर्मेशन को शेयर करना ना भूलें एंड हमारे साथ यूं ही बने रहिए एंड कीप वॉचिंग इन्फोबग।